नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में अपने जिन मजबूत सिपह सलारों के सहारे 2022 की चुनावी बिसात बिछाने में जुटी थीं, वो टीम ताश के पत्ते की तरह बिखरती जा रही है। सूबे में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रियंका गांधी के हाथ को पकड़कर आगे बढ़ने की बजाय छोड़कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार होते जा रहे हैं। चुनाव से एन पहले एक के बाद एक बड़े नेता कांग्रेस छोड़ जा रहे हैं, जिसके चलते प्रियंका गांधी के लिए यूपी की चुनावी राह और भी मुश्किल होती जा रही है। यूपी में पिछले 32 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रियंका वाड्रा जिन मजबूत चेहरों के दम पर यूपी में बीजेपी को टक्कर लेना चाह रही थी, वो नेता ही एक के बाद एक कांग्रेस का दामन छोड़कर जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के दिग्गज नेता और जाट समुदाय का चेहरा माने जाने वाले पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पूर्व विधायक पंकज मलिक ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हरेंद्र मलिक यूपी में प्रियंका गांधी की सलाहकार कमेटी में शामिल थे, तो पंकज मलिक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष थे और पश्चिम यूपी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। माना जा रहा है कि 22 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव की रैली में वे सपा का दामन थामेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 3 दशक से सत्ता का वनवास काट रही है, ऐसे में प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद जब 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को करारी हार मिली, तो प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने खुद समीक्षा की थी। उन्होंने माना कि संगठन की कमजोरी की वजह से ही कांग्रेस यहां पर खड़ी नहीं हो पा रही है। सूबे में प्रियंका गांधी संगठन की मजबूती के मिशन में जुटी और प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर और ब्लॉक तक अपनी मर्जी के मुताबिक पदाधिकारी बनाए। प्रियंका गांधी ने लगातार योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रही हैं। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं को 2022 के चुनाव में अपनी जीत का विश्वास नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते अब वो प्रियंका का हाथ झटक कर साइकिल की सवारी कर रहे हैं। यूपी में 2 महीने पहले करीब 50 कांग्रेसी दिग्गज नेताओं को प्रियंका गांधी ने खुद फोन करके चुनाव लड़ने की हरी झंडी दी थी। उनसे कहा था कि आप चुनाव तैयारी में जुटें और आपका टिकट कंफर्म है। प्रियंका गांधी की इस लिस्ट में पंकज मलिक भी शामिल थे, लेकिन अब चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। ऐसे ही प्रियंका गांधी के करीबी रहे ललितेश पति त्रिपाठी को भी चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल चुकी थी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस को अलविदा कह दिया। प्रियंका गांधी बुंदेलखंड में जिन कांग्रेस नेताओं के दम पर पार्टी को मजबूत करने के लिए मशक्कत कर रही थी, वो सभी नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। यूपी में कांग्रेस पार्टी को जिताने का जिम्मा प्रियंका गांधी के पास है। प्रियंका 40% विधानसभा की सीटें महिलाओं को देने की बात कहकर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है, लेकिन यूपी में कांग्रेस पार्टी के कभी मजबूत स्तंभ रहे नेता एक एक करके प्रियंका का साथ छोड़ते जा रहे हैं। वैसे भी आज के समय में कांग्रेस के पास यूपी में ज्यादा नेता बचे भी नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद।